जो जितना दूर छूट, ठीक है, जो छूटेगा वो अपना कवर करे। देखो बाबू पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है बाबू, ठीक है ना। जैसे एक नंबर लेते सर, एक नंबर लेते, एक नंबर लेते, थ्री ले लिए, फोर ले लिए, फाइव ले लिए, ठीक है, ठीक है सर। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है बाबू, इसमें इसमें एक मैजिक है। क्या मैजिक है सर, क्या मैजिक है? जो मैजिक है बाबू, दैट मैजिक इज बाबू कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो मैजिक क्या है सर, बताइए। तो मैजिक ये है बाबू, ये फर्स्ट दो नंबर का स्क्वायर का सम करो, तो थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर कितना देगा? थ्री का स्क्वायर हाउ मच बाबू, नाइन, फोर का स्क्वायर बाबू सिक्सटीन, तो नाइन प्लस सिक्सटीन इक्वल टू क्या, 25, है ना। तो बाबू जब फर्स्ट दो नंबर का स्क्वायर करो बाबू, तो तीसरे नंबर का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। फाइव का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 25, इन दोनों का स्क्वायर का सम किया क्या है, 25। तो यही जो मैजिक है बाबू, यही जो मैजिक बाबू, दिस मैजिक इज कॉल्ड बाबू क्या, ठीक है ना, दिस मैजिक इज बाबू कॉल्ड क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। पीएच बाई बाबू पाइथागोरियन होता है बाबू, पी वाई टी एच ए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यही जो मैजिक है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। साउंड जा रहा आ रही है बाबू, ठीक यस है। सर, हाँ बाबू, और कोई नंबर है सर? हाँ बाबू, और कोई नंबर है जिसमें ऐसा मैजिक होता है, जादू सर? हाँ बाबू, बहुत सारे ऐसे पेयर ऑफ नंबर है बाबू, बहुत सारे ऐसे पेयर ऑफ नंबर है ना, जैसे सिक्स एक्स टेन, है ना, सिक्स है बाबू, एट है, टेन है। इसमें बाबू इसका स्क्वायर करो तो किए सर, इसका स्क्वायर करो तो किए सर, ये दोनों को ऐड करो तो ऐड करोगे तो ये 36 प्लस 64, एट का स्क्वायर 64, है ना बाबू, इसमें तो डाउट नहीं है। इक्वल टू हाउ मच बाबू, 100, है ना। और 10 का स्क्वायर करो तो बाबू, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो मैजिक हुआ कि नहीं बाबू, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर किया सर, सेकंड नंबर का स्क्वायर किया सर, आफ्टर देन बाबू ऐड दीजिए नो, ये दो नंबर को ऐड किए, जब दोनों नंबर को ऐड किए तो 100 आ गया। थर्ड नंबर का स्क्वायर करना है तो वो भी क्या आ रहा है बाबू, 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। तो यही जो मैजिक है ना बाबू, दिस मैजिक इज बाबू कॉल्ड क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब क्या सर, फर्स्ट दो नंबर का स्क्वायर करो, तीसरे नंबर का फर्स्ट दो नंबर का स्क्वायर का सम करो, है ना बाबू। अब तीसरे नंबर का स्क्वायर का अगर बराबर हो जाता है बाबू, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। लास्ट क्लास इसके बारे में हमने बता दिया था ना। अब बाबू तो सर, तो सर हमको ये डाउट होता है सर, हमको कौन कौन सा ऐसे नंबर है, दो को तो आप बता दिए थे, तीन चार पांच हो गया, छह छह हो गया, सिक्स हो गया, एट हो गया, दस हो गया, और कोई नंबर है, और बहुत सारे नंबर है, तो कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो ऐसे पता करना, कैसे करना बाबू, ऐसे इसका फॉर्मूला बाबू, फॉर्मूला पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना बाबू। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, फॉर्मूला बाबू क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला ई है बाबू, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। जहाँ एक क्या बाबू, पहला नंबर क्या बनेगा, जो पहला नंबर बनेगा 2m बनेगा, फिर सेकंड नंबर क्या बनेगा, एम स्क्वायर माइनस वन बनेगा, और फिर नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा बाबू, एम स्क्वायर प्लस वन बनेगा, है ना। यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट में वो तीन गो नंबर हमारे पास क्या, तीन नंबर का सेट है ना, तीन नंबर का सेट है ना। अरे शैतान, देखो ना, देखो ना, अभी तीन चार पांच लिखे ना, इसी में बाबू एम की वैल्यू वन रखो, फॉर बाबू एम इक्वल टू वन, तो एम की वैल्यू अगर वन रखोगे तो यहाँ पे सेट क्या बनेगा, सेट क्या बनेगा, टू इंटू वन, मान लो ना एम की वैल्यू वन लो ना, क्या जाता है इसमें, है ठीक है सर, ठीक है सर। एम की वैल्यू वन लिया तो कितना हो जाएगा, एम की वैल्यू बाबू टू से स्टार्ट करो, ठीक ना बाबू, एम की वैल्यू टू से स्टार्ट करो, यहाँ कंडीशन है बाबू, यहाँ कंडीशन है बाबू, ठीक है ना। वेयर एम इज बाबू, वेयर एम मेरा क्या है, एम क्या है शैतान मेरे, एम मेरा बाबू क्या है, जहाँ पे एम है ना, एम है ना, समझ में आ रहा है अरिया, अरिया उनको तो टेंशन हो रहा है। हाँ बाबू चलो ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है बता दिया है ना बाबू, कि तीन नंबर का सेट है, ठीक है सर। अब थ्री नंबर का सेट है बाबू, तो थ्री नंबर फाइंड कैसे करेंगे, तो कैसे फाइंड करोगे, तो इस फॉर्मूला से फाइंड करो, ए टू एम, एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर प्लस वन। तो एम क्या है, एम जहाँ क्या है, एम कुछ ना कुछ होगा ना बाबू, हाँ सर, हाँ सर। तो भेयर बाबू, भेयर बाबू, भेयर हम लोग क्या लिखेंगे शैतान, भेयर बाबू एम जो है शैतान मेरे, एम मेरा क्या, नेचुरल नंबर है क्या बाबू, एम मेरा नेचुरल, नेचुरल नंबर क्या होता है बताइए बाबू, नेचुरल नंबर क्या होते हैं शैतान मेरे, ये तो सुसाइड कर लेंगे सर, जो वन से, सर जो वन से, सर जो वन से स्टार्ट होता है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हाँ बाबू, नेचुरल नंबर जो बाबू, ठीक है बाबू, फिर एम, एम बाबू, एम क्या बाबू मेरे, एम मेरा क्या, एम इज नेचुरल नंबर, है ना बाबू, ले बट बाबू ग्रेटर देन वन, नेचुरल नंबर होना चाहिए लेकिन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन वन से होना, ग्रेटर देन वन होना चाहिए ना, ठीक है सर, ये कंडीशन है बाबू, ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है सर। मतलब क्या सर, मतलब क्या, एम की वैल्यू हम लोग कहाँ से, यहाँ से, अगर मान लो बाबू पाइथागोरियन ट्रिपलेट का नंबर निकालना, नंबर निकालना, तो एम कहाँ से स्टार्ट करोगे, टू से, थ्री से, फोर से, फाइव से, सिक्स से, सेवन से, कुछ से,
तो m बराबर 2 के लिए यहाँ वैल्यू पुट करो ना, m बराबर 2 के लिए यहाँ वैल्यू पुट करो ना सर, तो ठीक है सर m बराबर 2 के लिए वैल्यू पुट करेंगे। तो m बराबर 2 के लिए बाबू क्या वैल्यू होगा, 2 है सर, m की जगह 2 पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो 2, तो कितना हो जाएगा, 2m मल्टीप्लाई में है ये, 2m मल्टीप्लाई में है ना, तो कितना जाएगा 2 × 2, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू यहाँ m की वैल्यू 2 पुट करो तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 है ना। नेक्स्ट बाबू m की वैल्यू 2 पुट करो तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा है ना, ठीक है सर। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ना, ये सब तो आता है ना, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा है ना, 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना 5 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा फैशन में लिखो, तो फैशन इन द सेंस बाबू इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो ना, ऐसे कोई नंबर होता है तो पहले क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे है ना। तो ये जो नंबर सेट ऑफ नंबर ऑब्टेन हुआ बाबू, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे सर, हमको सीध कीजिए, अरे सर पानी इसमें देखो क्या करो, पहले 2 का स्क्वायर का सम करो, पहले 2 नंबर का स्क्वायर का सम करो है ना, तो 3 का स्क्वायर सर अब प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सर प्लस 4 का स्क्वायर, हाउ मच बाबू 3 का 9 प्लस है ना बाबू प्लस 16, हाउ मच बाबू 25, थर्ड का स्क्वायर के बराबर 5 का स्क्वायर करोगे थर्ड नंबर के स्क्वायर के बराबर आएगा, इतना आया। तो जो कंडीशन बाबू, इस कंडीशन को फॉलो करेगा, सिंस बाबू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू कितना p स्क्वायर है ना बाबू, इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कल हम बता दिए थे, हमारे स्क्वायर p n स्क्वायर वाला बता दिए थे ना बाबू, ठीक है ठीक है। तो इसको मत लिखो, इसको कल हम बता दिए थे ना, तो इतना आप लोग राइट डाउन कीजिए बाबू है ना, इसमें 2-4 गो और बनाते फटाफट, जल्दी से राइट डाउन करो। शिवा शिवा प्रकाश से बाबू वीडियो ऑन करो सर, हाँ बोले सम्या सर, आप वहाँ पे वेयर एम इज नेचुरल नंबर उसके बाद सर बट ग्रेटर देन लिख के छोड़ क्यों दिए हैं? हाँ तो ग्रेटर देन लिख के छोटे नहीं, बट ग्रेटर देन क्या होगा बाबू, 1 होगा, 1 में आप लग, आपका वीडियो उस समय लिख रहे थे तो बंद हो गया था ना, तो इसीलिए वहाँ 1 छूट गया। चलिए अच्छी बात है, शर्मा थोड़ा बहुत शर्म आ रहा है बाबू? यस सर। हाँ बाबू तो पढ़िए बाबू, थोड़ा मन से पढ़िए, आप पढ़ते नहीं हो मन से, ठीक है ना, पापा जी का पैसा बर्बाद कर रहे हो, ठीक है ना, हम सुसाइड कर लेंगे, आपको जेल में डाल देंगे। देखिए आर्या आगे समझी, आर्या बच्चा का चीज है। यस सर समझे, लेकिन कभी ऐसा नंबर देखे हो लेकिन कैसे ये सब कभी ऑब्जर्व नहीं किए होगा बाबू, दिस इज बाबू गेम्स ऑफ कॉन्सेप्ट, गेम्स ऑफ कॉन्सेप्ट, जल्दी लिखिए बाबू और सुंदर से, अभी अभी आपको राफ कॉपी में लिखना है, इसके बाद बाबू एकदम फेयर करना, सुंदर सा एकदम है ना, एकदम जैसे आप कैसे सुंदर और स्माइलिंग चेहरा, उसी तरह से हमारे बच्चे सभी देखे तो एकदम क्यूट क्यूट है। दूसरा क्वेश्चन बाबू, m की वैल्यू 2 रखो तो सेकंड सेट निकाले तो बाबू फॉर m की वैल्यू 2 के लिए, बाबू फॉर m की वैल्यू 2 के लिए निकाल, 3 2 हो गया ना बाबू, m की वैल्यू 3 के लिए सेट निकाले तो कौन कौन सा निकलेगा, तो यहां से बाबू पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेट निकाल सकते हो, 3 नंबर्स का सेट होगा। ये शिवानी क्यों बंद कर ले शैतान मेरे, 6, 8, or 10 हाँ बाबू, हाँ बाबू वेरी गुड बाबू, तो 3-4 को निकालिए हाँ, तो 3-4 को फटाफट निकालिए, एम के वैल्यू 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फॉर एम इक्वल टू सर 4, फॉर एम इक्वल टू सर 5, तो दिस इज द बाबू कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब क्वेश्चन देते हैं, एक दो क्वेश्चन देते हैं, तब m का वैल्यू 4 रहेगा तो नंबर आएगा 8, 15, और 9। हाँ बाबू, तो सीक्वेंस ऑर्डर में लिख लेना, ठीक है ना, सीक्वेंस मतलब क्या, इन द सेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है ना, m का वैल्यू जब m 4 है तो 8 15 और 17 आएगा। हाँ बाबू, तो इसका सेट क्या बनेगा बाबू, m 3 के लिए सर क्या बन जाएंगे 2 × 3, और ये 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1 है ना, कुछ नहीं करना यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट करना, आंसर ये ले लेना,
तो सिक्स हो जाएंगे सर, और ये एट हो जाएंगे सर, और ये टेन हो जाएंगे। ये तो ठीक ही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है। सर जब फाइव होगा तो टेन ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी सिक्स होगा। चलिए अच्छी बात। अरे यार थोड़ा बहुत बाबू समझ में आ रहा है कि पूरे समझ में आ रहा है? Yes, नहीं पूरा समझ में आ रहा है। हाँ बाबू, तो इसीलिए तो आपको तीनों पे चलाओ। सर आप स्टक हो गए हैं। हम स्टक हो गए बाबू, देखते हैं बाबू कोशिश करते हैं। मेरे बाबू से को परेशान मत करो, अभी हमको हिलना दो। टेन की वैल्यू फोर के लिए सर, टू इंटू फोर सर, ठीक हुआ बाबू? फोर का स्क्वायर माइनस वन, फोर का स्क्वायर प्लस वन। फाइव वैल्यू रहेगा सर, टेन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स वैल्यू। एट हो जाएगा बाबू, फिफ्टीन हो जाएगा बाबू, और सेवनटीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप पाइथागोरियन टेबलेट निकाल सकते हो, जितना मन उतना निकाले। एम की वैल्यू सबसे क्यों मशीन में डालिए बाबू, फटाफट इस फॉर्मूला में एम की वैल्यू डालिए, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, यहाँ से निकालते आउटपुट निकलते जाए पाइथागोरियन टेबलेट निकलते जाएगा। पाइथागोरियन टेबलेट मतलब क्या, इसका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करो, ऑटोमेटिक तीसरे का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना? तो दिस इज द बाबू मैजिक, मैजिक ऑफ मैथ। नेक्स्ट बाबू, इसको अगर निकालोगे शैतान मेरे, तो टू इंटू फाइव सर, फाइव का स्क्वायर सर माइनस वन सर, फाइव का स्क्वायर सर प्लस वन सर, ये टेन हो गया सर, ये ट्वेंटी फोर हो गया सर, और ये ट्वेंटी सिक्स हो गया सर। सही सेट निकला बाबू, आगे पढ़ाएंगे, हो गया। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देते एकदम इंटरेस्ट से पढ़ना। आज हमारी रिस्का नहीं आई सर? आई हमारी रिस्का रिस्का, अरे हाथी के एक जैसे बाबू, ऋषिका नाम है उसका, ऋषिका सिन्हा, रिस्का खन्ना नाम है। हाँ रिस्का खन्ना नाम है, आप रिश्ता ऋषिता, ठीक है, आएगी तो पता चल जाएगा। अभिनय प्रकाश समझ में आया बाबू? अभिनव सर, यस सर। सर वो लास्ट में m स्क्वायर टू 41 है क्या? वेयर बाबू 41? कहीं तो 41 नहीं है, कहाँ पे बाबू? m की फाइव वैल्यू के लिए बाबू, कहाँ पे शैतान? अरे तो थ्री, सर उसके भी ऊपर। हाँ सर वही 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 वही। अरे ये एम स्क्वायर 41 नहीं है सर, एम स्क्वायर प्लस वन है। चलिए ठीक है, अभी इरेज करते हैं, जो लिखो बाबू लिखिए, जो नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इरेज करते हैं। आगे क्वेश्चन देते हैं। हमारा प्रकाश सिंह कहाँ रह गया? तो अभी आप यही लिख रहे हैं बाबू, प्रखर बाबू? नहीं सर वो समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से एक बार पूछ लिए। हाँ तो नहीं समझ में आ रहा तो अच्छा ठीक है, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो अपलोड करेंगे तो देख लीजिएगा शुरू का। आप आए लेट से उठे ना बाबू, इसीलिए। यस सर। तो देख लीजिएगा, नहीं तो आर्या से पूछ लीजिएगा, वो स्टार्टिंग से है तो समझ जाएगी। तो यही है बाबू, एक कहावत है बाबू, ठीक है ना, हिंदी में आप लोग कहीं साइड बिहार ही का कहावत है बाबू, ज्यादा नहीं है। सोए जो बाबू खोए, जागे जो पाए, आप सो गए तो खो गए, आर्या जाग गई तो पा गई। अब उसके पास कॉल लगाइएगा, पूछिएगा। नेक्स्ट बाबू, राइट द बाबू पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन क्या है शैतान मेरे? राइट द बाबू, राइट द बाबू पाइथागोरियन बाबू, राइट द बाबू पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज बाबू, हुज शैतान, वन मेंबर इज
खोज बाबू, वन मेंबर इज, वन मेंबर इज बाबू ऑप्शन नंबर ए, खोज वन नंबर मेंबर इज बाबू सिक्स है, बी नंबर बाबू एट है, सी नंबर बाबू टेन है और डी नंबर बाबू फोर्टीन है। ठीक है, देखो ये को बताते हैं, तीन को होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन बताते हैं, थ्री क्वेश्चन बाबू होमवर्क है ना। देखो शैतान क्या कह रहा कि बाबू कह रहा कि पाइथागोरियन, राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मींस क्या, थ्री 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 है ना, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखिए। अब क्या कर बाबू, वन मेंबर इज दिया हुआ, वन मेंबर पहला क्वेश्चन बाबू सिक्स दिया हुआ, दूसरा में बाबू एट दिया हुआ, तीसरा में टेन दिया और नेक्स्ट में ट्वेल्व दिया ना, तो एक मेंबर दिया मतलब क्या सर, चुपके से क्या सर, साइलेंट मोड में क्या सर, थ्री मेंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बाबू, थ्री मेंबर्स है ना, कौन कौन से मेंबर्स है, टू टू एम, एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर प्लस वन, तो इसमें से बाबू फर्स्ट मेंबर दिया हो रहा था, फर्स्ट मेंबर दिया हो रहा था, फर्स्ट मेंबर दिया हो रहा था है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू यू हैव टू फाइंड द बाबू वैल्यू ऑफ एम, हाउ सर, हाउ सर, टू एम इक्वल टू सिक्स है ना बाबू, तो ये एम की वैल्यू निकालो, तो आपका फर्स्ट मेंबर दिया, आफ्टर देन बाबू जब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू एफ, पुट द वैल्यू ऑफ एम इन दिस टू मेंबर्स, देन फाइंड द बाबू ट्रिपलेंट। देखो कैसे करना, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि हमको क्या दिया हुआ है, एक मेंबर दिया सर, देखो पूछ बाबू वन मेंबर इज, तो पाइथागोरियन के पास बाबू तीन, थ्री मेंबर्स है ना, मम्मी है, पापा है, उसका सन है कि नहीं बाबू, है ना, ठीक है, तो छोटा वाला जो पटाखा इस सन होके बाबू छोटा वाला पटाखा का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ, वन मेंबर क्या बाबू टू एम की वैल्यू दिया हुआ है, कितना सर, सिक्स सर, सिक्स सर है ना शैतान, हाँ सर, तो टू एम की वैल्यू सिक्स दिया हुआ, तो यहाँ से एम की वैल्यू तो निकाल सकते ना, टू इधर डिवाइड हो जाएगा थ्री हो जाएगा है ना, ठीक है सर, जब एम की वैल्यू थ्री हो गया शैतान मेरे, तो बाकी रेस्ट ऑफ टू मेंबर नहीं फाइंड कर सकते, ये वाला ए मेंबर, ए मेंबर नहीं फाइंड कर सकते, हाउ सर, हाउ सर, एम स्क्वायर माइनस वन कितना होगा सर, तो एम का वैल्यू कितना है सर, थ्री रखो तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, हाउ मच बाबू, हाउ मच बाबू एट हो जाएंगे है ना, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू एम स्क्वायर प्लस वन निकालो शैतान, थर्ड मेंबर क्या है सर, एम स्क्वायर प्लस वन है, तो एम स्क्वायर प्लस वन निकाल देंगे, तो एम की वैल्यू कितना है सर, थ्री है सर, इसमें प्लस वन कर दो कितना हो जाएंगे, टेन हो जाएंगे, तो पाइथागोरियन एम की वैल्यू निकलते, सेकेंड मेंबर निकल गया और ये थर्ड मेंबर निकल गया, तो फर्स्ट मेंबर तीन लिखोगे तो गलत हो जाएगा, जांच बाबू हो गया ठीक है ना, थ्री ली फर्स्ट मेंबर कौन सा है शैतान, ये बोला ना टू एम वाला, टू एम वाला लिखना, तो जो ट्रिपलेट बनेगा वो, जो ट्रिपलेट बनेगा शैतान, जो ट्रिपलेट बनेगा क्या बन गया, फर्स्ट मेंबर दिया हुआ, पहला सदस्य दिया हुआ ठीक है ना, कौन है छह है, अगर थ्री लिख दिया ऐसे लिख दिया कैसे सर, ऐसे बाबू थ्री है, एट है, टेन है, तो हो गया कल्याण है ना, अब पहले ऑप्शन रहेगा, पहले ऑप्शन रहेगा ठीक है ना, पहले ऑप्शन रहेगा, आके फिर पापा जी को कहना पापा जी हम सही बना दिए, अब वहाँ रिजल्ट आएगा तो निगेटिव कर दिया है ना, तो यार थ्री नहीं लिखे, डाउन ट्रैक बाबू थ्री है ना, बिकॉज बाबू फर्स्ट मेंबर इज बाबू सिक्स, देन द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये बना, एक मेंबर दिया बाबू, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द बाबू वैल्यू ऑफ एम एंड पुट द वैल्यू ऑफ बाबू एम इन दिस टू फैमिली मेंबर है ना, एंड राइट द बाबू ट्रिपलेट, समझे प्रखर, थोड़ा थोड़ा ए प्रखर, यस सर, समझे कि नहीं समझे, यस सर समझ गए, हाँ तो राइट डाउन कीजिए बाबू, एंड रेस्ट क्वेश्चन बाबू आपका होमवर्क रहेगा सर, तो उसको वहीं तक सर, तो उसको वहीं तक लाके छोड़ देना है क्या, सिक्स एट टेन तक, हाँ बाबू यही ना, ट्रिपलेट हो गया ना बाबू, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ले गए तो ये तो ट्रिपलेट बन गया, आपका मैंने किशोर का पांच मिनट छूट गया, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सोचिए बाबू पांच मिनट छूटने का, सर फर्स्ट वाले में सर आप ऐड किए ना, थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, तो लगा अच्छा अच्छा ठीक है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपका सिक्स का स्क्वायर एट का स्क्वायर हंड्रेड, हंड्रेड में तीन का स्क्वायर ऑटोमेटिक हंड्रेड, चलिए बाबू राइट डाउन कीजिए बाबू, अब आगे पढ़ाते बाबू, एक ट्रायंगुलर नंबर है बाबू, ये भी आपको कौन सा चैप्टर था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चला था, अभी रूट नहीं आया, स्क्वायर आया है ना, कितना पढ़ा देंगे ना बाबू, कि क्या आपको कोई उतना पढ़ाएगा शिवम, ये तो हमको पानी पिला पिला के जान मारा है, ऐसा स्टूडेंट हम ना देखे लॉकडाउन का, बाबू ऑन है तो मेरे में तो ऑफ दिख रहा है, या तो आप चैट कर रहे हो तो ऑन तो होगा लेकिन चैट कर रहे होगे, हम कहां करेंगे,
हाँ सर था। प्रकाश सिंह बेचारा अंधेरे में आज बैठा हुआ, ब्लैकआउट खोले। यही तो क्लास है बाबू, लाइट रहे ना रहे, वर्षा होवे कुछ भी होवे, क्लास मेरा कंटिन्यू चलता है 30 मिनट 30 डेज। चलिए जल्दी से राइट डाउन कीजिए बाबू, इरेज करेंगे। शर्मा जी, ए शर्मा, समझ में आया बाबू? हाँ सर, मैं पहला दो क्वेश्चन बना भी लिया, पहला दो बेट। हाँ बाबू जल्दी अभी इरेज करेंगे, आप लोग को ज्यादा टाइम देगा तो यही बना लीजिएगा, है ना? क्लास यही से शानी करेंगे। राइट डाउन कीजिए बाबू, जो नहीं किया वो स्क्रीन शॉट ले लो। हम बाबू ये कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। अब बाबू कुछ थोड़ा सा ये पैटर्न पढ़ते हैं ना बाबू, पैटर्न पढ़ते हैं स्क्वायर नंबर का बाबू। कुछ फैशन होता है, कुछ फैशन होता है, देखो ना कैसा कैसा ऐसा ऐसा चीज पढ़ाएंगे ना बाबू। नेक्स्ट हेडिंग देंगे शैतान, मेरे नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, मेरे नेक्स्ट हेडिंग देंगे, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ अ स्क्वायर नंबर। अभी सिर्फ आपका स्क्वायर चल रहा है, ठीक है ना? अभी स्क्वायर रूट नहीं आया है ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू? सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, सम बाबू इंटरेस्टिंग बाबू इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बाबू ऑफ अ स्क्वायर नंबर, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स पैटर्न्स बाबू ऑफ अ स्क्वायर नंबर, ठीक है? तो इसमें बाबू पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला जो कॉन्सेप्ट है बाबू, एक कंसेप्ट है बाबू, ठीक है ना? एक कंसेप्ट है सर, क्या सर? ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर। आप लोग पहला बार सुने बाबू, नहीं सुने हो कभी जिंदगी में, पहला जो पहला इसको कंसेप्ट नहीं कर सकते बाबू, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? है ना? अब बताओ ट्रायंगल कुछ एक चीज होता है, एक फिगर होता है ट्रायंगल। कभी सुने हो वर्ड बाबू? सुने हो? नहीं सुने तो बाबू हमको फिर बताना पड़ेगा। ट्रायंगल का नाम सुने हो आर्या? यस सर। हाँ, कितने साइड्स होते हैं ट्रायंगल में बाबू? हाउ मेनी साइड्स इन ट्रायंगल? देयर आर 3 साइड्स इन ट्रायंगल एंड द टोटल सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हाँ, एंगल ऑफ सम। आप सुनिए सौम्या ट्रायंगल का, थोड़ा सा कुछ एकदम मैंने धुंधली धुंधली याद है माइंड में, ट्रायंगल नामक चीज कुछ होता है, कुछ होता है बाबू जी? ये फिगर, हाँ बाबू, ये जो फिगर बनते हैं ना बाबू, दिस इज कॉल्ड बाबू ट्रायंगल। अब नेक्स्ट बाबू आपको पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे बाबू, ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ाएंगे, है ना? दिस इज बाबू ट्रायंगल्स, है ना बाबू? दिस इज बाबू ऑल्सो ट्रायंगल्स, है ना बाबू? दिस इज बाबू ऑल्सो ट्रायंगल्स, है ना बाबू? ठीक है सर। सर और कोई ट्रायंगल? हाँ शैतान, और कोई ट्रायंगल? आई सर, तो दी ऑल आर बाबू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स मींस ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स। इसको थोड़ा सा ये करो ना, ब्रेक करो ना, ट्रायंगल्स मतलब ट्राई मींस बाबू थ्री, और एंगल्स मींस एंगल्स, हाँ ना बाबू? जिसमें थ्री एंगल्स हो बाबू, जिसमें थ्री एंगल्स हो, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल्स, है ना? एंगल्स मींस क्या? टू लाइन बाबू कहीं पे अगर कट कर रहा है तो यहाँ कॉर्नर बनते हैं, जो कॉर्नर फॉर्मेशन होता है दैट कॉर्नर इज कॉल्ड एंगल्स, एंगल्स, है ना? है ना? ठीक है सर। तो जहाँ थ्री एंगल्स होंगे बाबू, दैट बाबू दैट फिगर इज कॉल्ड बाबू ट्रायंगल्स, या यू कैन आल्सो से बाबू जहाँ थ्री साइड्स हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो एक डंडा है ना, ठीक है ना बाबू, इसको हम लोग कहते हैं साइड, इसको हम लोग कहते हैं साइड, है ना? ये साइड, ये साइड, तो थ्री साइड्स बाबू, ये फिगर बाबू विच कंटेन थ्री साइड इज कॉल्ड बाबू ट्रायंगल, है ना? ट्रायंगल, है ना? ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ट्रायंगल है, है ना? ठीक है, तो यही इसी कंसेप्ट को बाबू आगे क्या है, ट्रायंगुलर नंबर। मतलब ट्रायंगुलर नंबर में क्या होगा, कुछ ट्रायंगल टाइप का चीज होगा, है ना? कुछ ट्रायंगल टाइप का चीज होगा, धुंधली धुंधली कुछ ट्रायंगल टाइप का चीज होगा, है ना? ठीक है सर। तो वही कहता बाबू, बाबू कोई नंबर है, ठीक है ना, उसको बाबू हम डॉट प्रोडक्ट में, डॉट के रूप में बाबू, ट्रायंगल के डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। ऊपर ऊपर पार हो गया, नहीं समझना, देखो क्या है, ठीक है? देखो क्या है, यदि बाबू ठीक है ना, कोई नंबर है, ठीक है ना, उसका अगर डॉट पैटर्न, उसका डॉट पैटर्न बाबू ट्रायंगल के रूप में अरेंज किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे, ना? कोई नंबर ले लो, है ना? ठीक है सर, ठीक। उसको ट्रायंगुलर, उसको उसका जो डॉट पैटर्न प्रोडक्ट है बाबू, डॉट पैटर्न, डॉट पैटर्न है, उसको ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट कर दो। जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, फॉर एग्जाम्पल सर,
फॉर एग्जाम्पल वो सभी को नहीं कर सकते हो, सभी को नहीं कर सकते हो, स्पेसिफिक कुछ कुछ नंबर है ना, कुछ कुछ नंबर लिखना नहीं शैतान, लिखने का टाइम देगा। जैसे सर एक हो गया सर, थ्री हो गया सर, नेक्स्ट आपको कौन सा बाबू, सिक्स है, ये टेन है, ये फिफ्टीन है, अब तो बाबू सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो है ना। तो ये सब जो सारे नंबर है ना, वन थ्री बाबू सिक्स टेन फिफ्टीन क्या नंबर है ना। तो देखो इसको ट्राइंगल कर वन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से एक डॉट के रूप में लिख सकते हो, तो इसमें तो ऑलरेडी ट्राइंगल रहेगा है ना। थ्री को करना बाबू तो थ्री को ऐसे कर दो, एक डॉट सर और यहाँ से बाबू दो डॉट, ठीक है, ठीक है सर, दिख तो रहा है ना। अगर सिक्स को लिखना बाबू तो कैसे लिखो, पहले एक डॉट करो, एक डॉट स्टार्ट किया सर, फिर यहाँ से दो है ना बाबू, यहाँ से दो करो, यहाँ से दो हो गया, ठीक है सर, अच्छे है बाबू। तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन बाबू थ्री डॉट दे दो, थ्री डॉट दे दो है ना, ठीक है, थ्री डॉट दे दो, थोड़ा डॉट बड़ा बड़ा देना, बड़ा बड़ा देना है ना, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट बाबू अगर टेन है बाबू, टेन है बाबू, ठीक है, तो यहाँ तक तो छह डॉट हो गया ना बाबू, छह डॉट हो गया ना, इसमें फोर डॉट और अटैच कर दोगे तो कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा। मतलब क्या सर, इन द सेंस क्या सर, एक डॉट बाबू यहाँ तक तो बनाओ ही बनाओ, यहाँ तक तो बनाना ही बनाना, ठीक है, ये हो गया बाबू, ये हो गया डॉट बाबू। नेक्स्ट बाबू क्या करो, एक डॉट और यहाँ बढ़ा दो, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना, समझ आ रहा ना। तो बाबू ये कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं बाबू, जिसका हमको डॉट पैटर्न उसका बनाओ बाबू, तो वो क्या बनेंगे, ट्राइंगल बनेंगे, क्या बनेंगे सर, मेरा ट्राइंगल बनेंगे। आज सतीश नहीं आया और रिश्का हमारे नहीं आई, खन्ना जी हमारे आई थी, चली गई बाबू, नहीं सर मैं हूँ, मेरा ही नाम तो है। अच्छा ठीक है, आप आएंगे ना तब पता चलेगा कि दोनों के नाम में क्या आंसर है। हाँ बाबू सर, इसमें लास्ट वाला डॉट पैटर्न किस नंबर का है, नंबर आपको फाइंड करना, वो डॉट 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 काउंट कर लो, कितने डॉट है, 15 डॉट है बाबू, 15 डॉट है ना, 15 डॉट है ना, ठीक है, ये छह हो गए, या तीन तीन छह हो गया, 15 हो गया, नेक्स्ट अगर ये हो गया बाबू शैतान, ये 10 है ना, 10 है ना बाबू, 10 है, ठीक है सर, ठीक है सर, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, अगर अगर 15 का पैटर्न बनाते तो यहाँ तक इतना इतना फिगर को ड्रा कर लो, इतना फिगर को ऑलरेडी ड्रा कर लो, तो इतने फिगर में कितने डॉट है, 10 डॉट्स है, प्लस 5 और ऐड कर दो, तो नीचे में एक 5 डॉट और ऐड कर दो, 5 डॉट और ऐड कर दो, मतलब क्या, इतना तो बनाएंगे, इतना तो बनाएंगे बनाएंगे, इतना तो बनेबे करेंगे है ना बाबू, इतना तो बनेबे करेंगे, ठीक है सर, इतना तो क्या करेंगे, बनाएंगे ही बनाएंगे। तो एक बाबू, दो बाबू, थ्री बाबू, ये फोर बाबू, इतना तो बनेबे करेंगे है ना, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्या करो, ये अभी तक 10 आया, ठीक है ना, 15 लाना है बाबू, तो इसमें और अटैच कर दो, एक 5 और अटैच कर दो, एक 5 और अटैच कर दो है ना। तो ये क्या है बाबू, ये सब जो नंबर है, तो नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, बताएंगे कैसे फाइंड करें, ये सब जो नंबर है बाबू, इसका देखो इसका डॉट पैटर्न, ये डॉट पैटर्न क्या है, ट्रायंगल है, कैसे सर, कैसे सर, ऐसे बाबू, ऐसे ऐसे, देखो इसका डॉट पैटर्न बाबू क्या, ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से इसको मिलाओ ना, ऐसे कर कैसे मिलाओ ना, ठीक है, तो ये डॉट पैटर्न इसका ट्रायंगल नहीं बना है ना, इसका डॉट पैटर्न ट्रायंगल नहीं बन रहा बाबू, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, प्यारे से प्यारे बाबू, प्यारे से प्यारे है ना, ये देखे है ना, ट्रायंगल बन रहा है बाबू, दिस इज बाबू क्या, ट्रायंगल। तो वैसे नंबर बाबू, वैसे नंबर बाबू, जिसका डॉट पैटर्न ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर, क्या कहेंगे सर, मेरे ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर है ना। तो 15 के बाद क्या होगा, 15 के बाद क्या हो जाएगा, 15 के बाद 21 होता है, उसका अपने खुद डाउट कीजिए, तो ठीक है, 15 के बाद क्या होगा बाबू, 21 होता है, अप टू बाबू सो ऑन, अप टू बाबू सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, इस तरह से आगे और आएंगे, कैसे आएंगे बताएंगे है ना। तो इसको अगर हमको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे शैतान, कैसे करेंगे बाबू, ठीक है ना, कैसे करेंगे नंबर बाबू, कैसे डिफाइन करो बाबू, नंबर बाबू हुज बाबू डॉट पैटर्न, नंबर बाबू हुज बाबू डॉट पैटर्न, डॉट पैटर्न बाबू, नंबर बाबू हुज डॉट पैटर्न कैन बी, कैन बी बाबू अरेंज इन, कैन बी बाबू अरेंज इन, कैन बी बाबू अरेंज, कैन बी बाबू अरेंज, अरेंज्ड एज बाबू, अरेंज्ड एज बाबू ट्राइंगल, कैन बी अरेंज एज बाबू ट्राइंगल्स इज नोन एज बाबू, जिसको हम लोग ट्राइंगल्स के रूप में अरेंज कर सकते बाबू, इज नोन एज बाबू,
is Babu known as Babu triangular number. Triangular number. है ना, तो हम हेडिंग क्या दिए बाबू, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न, एक सुंदर सा पैटर्न ही बन रहा है, देखो ना पैटर्न, आइस पैटर्न का भी हम यूज बताएंगे, ये बताएंगे देखो ना सीधे, तो बाबू क्या होगा, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स ऑफ द स्क्वायर नंबर, जो स्क्वायर नंबर होता है वो स्क्वायर नंबर होता है, एक इंटरेस्टिंग मजेदार पैटर्न बनेगा, मजेदार पैटर्न बनेगा, ठीक हो। तो पहला ही बाबू क्या, उसी पैटर्न बाबू, हमको पहले बताना था ट्रायंगल्स नंबर, तो ट्रायंगल्स नंबर क्या बाबू, जिसको डॉट पैटर्न अगर अरेंज करो बाबू, अरेंज करोगे तो क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे बाबू, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। 21 का आप लोग बनाइए तो जल्दी से, पहले राइट डाउन कीजिए बाबू, फिर 21 का बनाइएगा, राइट डाउन कीजिए, समझ में आया आर्या, आर्या यस सर आ गए, आपको प्रखर यस सर आ गया, अच्छा दोनों एक ही बोल दी, चलिए ठीक है, तो राइट डाउन करो, शर्मा जी शर्म नहीं लग रहा है, खाना पच रहा ना बाबू क्लास, हाँ सर, हाँ सर, तो एक मिनट में बंद हो जाएंगे शर्मा जी, पुनः कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है सर। आज हमारी वो कहाँ गई, हमारी सबकी दादी की शिवांगी कहाँ गई, आज दर्शन नहीं दे रही है भी है तो, ए बाबू क्यों हवा पी रहे बाबू मेरे, शिवांगी इतना देर से एकदम चुपचाप एकदम बैठी हुई थी, हवा पी रहे, बहुत हवा पीती है एकदम, तो सर आप मेरे सबकी दादी क्यों कहे चलिए राइट डाउन कीजिए, पहले राइट डाउन कीजिए, लिखी भी हो इतना देर से कि सो ही रही थी, नहीं रही थी मैं लिखी, अच्छा ठीक है जल्दी, आई 21 का ड्रा कीजिए, तो ट्रायंगल 21 का ड्रा कीजिए, तो बाबू शिवांगी चेक करते हैं आपका,